भारत माता और गौ, गंगा को पूज्य मानने वाले देश की मैं हूं कल कल छल छल बहने वाली सरिता, नाम है सरयू। हूं अयोध्या निवासिनी। इसी भूमि पर रामलल्ला के खेलने कूदने के कई निशान है। मेरे ही पात्र को रामलल्ला के चरण स्पर्श हुए हजारों वर्षों पहले। कुछ काल यवनी वनवास और तालों में बंद थे रामलल्ला, तो मेरा भी प्रवाह पतित जरूर हुआ, पर अब पुनः मेरी राष्ट्र प्रेम से भरी बहती धारा शुद्ध हुई। घर घर मन मन में नई चेतना उमड़कर रामलल्ला के गीत गूंजने लगे। आज अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलल्ला विराजमान हुए। मेरी बहती धारा फिर एक बार रामलल्ला के पदकमलों के पायल की गूंज से मंत्रमुग्ध हो उठी। अशोक जी, मठ मंदिर, गाय, वेद, इसकी रक्षा के लिए जन्मना प्रतिबद्ध थे। एक अदृश्य शक्ति मोरपंत जी के रूप में इस प्रकार के आयोजनों के पीछे थी। परिणामतः ये सारे आंदोलन यशस्वी हुए। आज 20वीं शताब्दी में राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, इस संकल्प को अगर किसी ने फिर अधोरेखित किया, प्रत्यक्ष रूप में इस संकल्प को साकार करने के लिए भगीरथ प्रयत्न किए और वर्तमान में राष्ट्र पौरुष स्वाभिमान का प्रतीक श्रीराम जन्मस्थान पर बना भव्य मंदिर का निर्माण कर दिखाने की वीरता दिखाई, वे मंदिर निर्माण के पथिक है मोरोपन जी पिंगले एवं अशोक जी सिंघल। जिस समय ये आंदोलन चला उस समय मोरोपंत पिंगले मार्गदर्शक थे। विचार ये था कि सारे देश का हिंदू एक है। हम बोलते हैं हिंदू हम सब एक, इसको प्रकट करके दिखाओ। तो 1983 में एकात्मता यात्रा की कल्पना मोरोपंत पिंगले की कल्पना थी। उसका सारे देश में जो प्रभाव हुआ वो लोगों ने अनुभव किया कि गंगा, गाय, भारत माता के प्रति सारे देश में एक जैसे विचार हैं। उन्होंने कहा कि देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ जो हिंदू है वो माँ गंगा के प्रति अपने अंतकरण में बहुत श्रद्धा भक्ति रखता है। समाज को माँ गंगा के साथ साथ भारत माता भी ध्यान में आनी चाहिए। इस प्रकार की कल्पना करते हुए एकात्मता रथ यात्रा का आयोजन और उनकी कल्पना से आगे आया और हम अनुभव करते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक चारों दिशाओं से यात्रा निकली। एक सीमित समय में देश भर में जागरण हुआ और लगभग 10 करोड़ लोग उस समय उस एकात्मता रथ यात्रा में सम्मिलित हुए। आधुनिक काल में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन के आद्य गुरु मोरोपंजी पिंगले और मोरोपंजी के पदकमलों पर चल ये आंदोलन को सिद्ध करने वाले दूसरे भगीरथ है अशोक जी सिंघल। अशोक जी ने खुद लिखा है कि रात को स्वप्न देख रहा था और स्वप्न में ऐसा लग रहा था कि मैं भट्टी के सामने खड़ा हूं। माइनिंग मेटलर्जी में जमीन के नीचे की मिट्टी को जब उबाला जाता है तभी उसमें से तत्व निकलता है और भट्टी चलाने के लिए ईंधन चाहिए। तो अशोक सिंघल बोलते हैं कि मुझे लग रहा था कि मैं ईंधन के रूप में हमारे धर्मशास्त्र फेंक रहा हूं। आंख खुल गई, पढ़ाई छोड़ दी, घर लौट आए।
साधु के कहने से वापस गए। तो अशोक जी के जन्म का कारण, उनका स्वभाव, पूर्व जन्म का परिणाम इस एक घटना में से बाहर प्रकट होता है। उनका जन्म इंजीनियरिंग के लिए नहीं था, इस भारत के धर्मशास्त्रों की रक्षा के लिए, यहाँ के जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए, यहाँ की परंपराओं की रक्षा के लिए उनका जन्म भगवान ने दिया था। अपनी माता को भी मना कर देना, मेरे पास समय नहीं है, संघ का बहुत काम है, और माता ने अंगूठा काट कर तिलक लगाया खून से, तो अशोक जी के गुणों का इसमें से पता लगता है। अपनी सोची हुई बात पर वो तमाम अधिकारियों से अकेले अकेले चर्चा करते थे, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। मोरपंत पिंगले, बाला साहब देवरस, रज्जू भैया, ऐसे लोगों से वो परामर्श किया करते थे। मैंने कहा लोग जुड़ते गए। अब श्रीश चंद्र दीक्षित उत्तर प्रदेश के पहले डीजीपी, भारत में जब डीजीपी व्यवस्था चालू हुई तो उत्तर प्रदेश के पहले डीजीपी आईपीएस अधिकारी रिटायर होते ही विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पहुंच गए स्वतः। ओंकार भावे रहा करते थे, भावे मेरा मेंबर बनाओ मुझको। देवकी नंदन अग्रवाल हाईकोर्ट से जज के रूप में रिटायर हुए, उनकी मां ने कहा जाओ अयोध्या, सरयू का जल हाथ में लेकर 7 अक्टूबर को उन्होंने कसम खाई मुक्त कराऊंगा, उसमें डूब गए। ये भगवान ने भेजे, तो ऐसे उनकी टीम डेवलप होती गई। अन्यथा तो मोरोपंत पिंगले मार्गदर्शक थे, डालमिया जी अध्यक्ष थे, ऐसे 2-4 लोग ही थे। वो धीरे 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 जुड़ते चले गए, और जो जुड़ गया वो मृत्यु तक जुड़ा रहा। ये अशोक जी की कार्यशैली का एक हिस्सा है। आगे चलकर जब ध्यान में आए कि भगवान राम यह एक आस्था के, श्रद्धा के केंद्र है, और उस समय अयोध्या के जन्मभूमि पर जो भी एक आक्रांताओं का ढांचा खड़ा था, उसके संदर्भ में जन जागरण होने की आवश्यकता थी। इसलिए कार सेवा 2 बार जो हुई 90 और 92 की, उस कल्पना का अगर कोई सूत्रपात अगर किसी ने किया तो वो माननीय मोरोपंत जी के। पर इससे ही नहीं हुआ, हर गांव के व्यक्ति को लगे कि अयोध्या मेरा है और भगवान राम मेरे हैं। इस प्रकार के भाव जागरण को और अधिक गहरा करने के लिए, सघन करने के लिए जो प्रयास हुआ, वो एक अद्भुत कल्पना थी कि गांव गांव से राम शिलाओं का पूजन करते हुए हर गांव अपने गांव से एक शिला अयोध्या के लिए भेजे। मैं समझता हूं कि ये समाज को एक किसी भी एक विषय के साथ जोड़ने के लिए इतना प्रभावी वो कार्यक्रम सिद्ध हुआ कि देश भर के लाखों गांवों से और राम शिलाएं अयोध्या के लिए पहुंची। की बात ये थी कि राम जन्मभूमि पर भगवान एक ताले में बंद थे, इसे देश जानता ही नहीं था। ताले में 1949 से बंद थे। तो जब राम जन्मभूमि को मुक्त कराओ ये विषय आया तो इसका अध्ययन हुआ है। वो अयोध्या आए, मैं यही कहूंगा अयोध्या के किसी साधु ने ये कहा था, अनेक लोग आते हैं, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं, और अशोक जी वहां बैठे थे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो पहले जनता को बताओ कि राम यहां ताले में बंद है। बहुत छोटा सा स्टेप सामने लिया गया। राम लल्ला तालों में बंद है, इस बात को गंभीरता से लेते हुए राम लल्ला की मुक्ति से लेकर मुलायम सिंह यादव के तत्कालीन परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा इस चुनौती को चूर चूर कर देने वाले अशोक जी ही थे। आत्मोत्सर्ग की भावना उनमें प्रकट होती थी, कोई उन्हें मृत्यु के कारण भयभीत नहीं कर सकता था। वहां जाओगे गोली चल गई तो क्या होगा, इस विचार से वो प्रभावित नहीं होते थे। 6 दिसंबर वाली कार सेवा के दिन
गुंबद के धाराशायी होने के पहले गुंबद वाले मंदिर से रामलला विराजमान मूर्तियों को सुरक्षित बाहर निकालना और कल्याण सिंह सरकार के पतन के पहले चबूतर वाला तंबू मंदिर खड़ा कर मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा अर्चना आदि का सूक्ष्म नियोजन मोरोपंजी अशोक जी के सोच की परमोच्च सीमा थी। 92 के बाद भी 30 साल का समय गया है। इस सारे कालखंड में उस भाव को जीवित रखने के लिए जो जो उपक्रम करने चाहिए थे वो मोरोपंत जी उस उपक्रमों के अग्रणी थे। अशोक जी ने विचार किया कि सभी दलों के नेताओं से मिलने जाएंगे। वो शरद पवार से मिले हैं, मधु दंडवते से मिले हैं, ममता बैनर्जी से मिले हैं, चंद्रशेखर से मिले हैं, मुलायम सिंह यादव से भी मिले हैं। देश का कोई राजनेता छोड़ा नहीं कांग्रेस में भी उन्होंने मिलने से। अकेले मिलने जाते थे, समस्या चुनाव में वोट था। राजनीति मतलब चुनाव में वोट हमारे न कट हो जाएं, कम न हो जाएं, अन्यथा किसी ने भी राम जन्मभूमि के विरुद्ध, मैं ये कह सकता हूं जब ताला खुला तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे कांग्रेस की ओर से, तो मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन्होंने ताला खुलने में बाधा खड़ी नहीं की। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, बाधा तो खड़ी नहीं हुई, अदालत ने फैसला दिया, उसका क्रियान्वयन हो गया। ऐसे अनेक विषय हैं, राजनीतिक लोग व्यक्तिगत बातचीत में। राम जन्मभूमि एक आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ा गया मंदिर है, देश का अपमान है, ये सब मानते थे। परंतु अगर सार्वजनिक बोलते हैं तो हमको मिलने वाले वोट में कटौती हो सकती है, इसलिए संकोच करते थे। अशोक जी ने लोगों के घर जा जाकर सबके हृदय को समझना, हृदय को जीतने का काम किया है नैतिक रूप से। अनेक अनेक संत महंत मनीषियों ने योगदान दिया, साध्वी आचार्य साधु संत राजनैतिक एवं धर्म जागरण के नुमाइंदों समेत संघ मनीषियों ने दृश्य कटिबद्धता के साथ योगदान दिया। दुनिया में किसी समाज को दबाकर अपमानित करके नहीं रखा जा सकता। भारत को, भारतीय समाज को ज्यादा समय तक दबाकर रखने की चेष्टा की गई तो गुब्बारा फूट गया, दबाएंगे तो एक दिन वो बर्स्ट हो जाएगा। राम जन्मभूमि का भी यही हाल है। लोगों को इतिहास की सच्चाइयों को समझना चाहिए। अगर यूरोप के अंदर हो सकता है कि ये चर्च विदेशियों ने बनाया था, हम चर्च के अनुयायी हैं, परंतु ये विदेशी गुलामी की याद दिलाता है, इसे तोड़ो। तो चर्च को तोड़कर दूसरा चर्च बना, चर्च के अनुयायियों ने ही तोड़वाया, ये भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? हम संघ के विचारों से और संस्कारों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए हम प्रश्नों का समाधान भी ढूंढेंगे, कठिनाइयों को समझेंगे और आवश्यकताओं को समझकर उसमें से कुछ हम मार्ग बनाएंगे। इन तीनों गुणों का दर्शन किसी एक व्यक्ति में होता है तो उस व्यक्तित्व का नाम स्वर्गीय मोरोपंत पिंगड़े है। आज प्रभु श्री राम भारतीय जनमानस के सामर्थ्य के प्रतीक है। जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण मात्र मंदिर नामक वास्तु का निर्माण नहीं है, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में सभी ने मिलकर रखा गया ये पहला कदम है। ये कदम शाश्वत है, ये कदम स्वाभिमान का प्रतीक है, ये कदम हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा राष्ट्र जीवन इस उक्ति का परिचायक है। हिंदू वो है जिसकी माता मां भारती है, हिंदू वो है जो इस देश की विरासत संस्कृति निष्ठा परंपरा को मानता है, हिंदू वो है जो जय श्री राम कहता है। और इसीलिए जब जन्मभूमि पर निर्माण
भव्य मंदिर में हुई श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से सरयू फिर हो उठी रोमांचित, और इसलिए याद है सरयू को श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के योद्धा रचनाकार, जिनमें प्रमुखता से ये मोरोपंजी पिंगले, अशोक जी सिंघल और अनेकों अनेक, जिनके नाम का न पत्थर ना कोई दीप, अयोध्या आंदोलन के योद्धाओं को शत शत नमन।